नमस्कार, मैं हिमांशी स्वागत करती हूँ आपके और हमारे केसरे टेक्सटाइल कंपनी कॉटन साड़ीज के चैनल पे, जहाँ से जो है हर बार आप जुड़ के बहुत सारी वैरायटीज पसंद करते हैं। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स लेके आई हूँ जो कि रहने वाले हैं डिजिटल प्रिंट की वैरायटीज। डिजिटल प्रिंट के अंदर आपको यहाँ से जुड़ के बहुत सारे पैटर्न्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट कलर्स भी मिल जाएंगे। ब्राइट कलर्स चाहिए, डस्टी कलर के साथ चाहिए, या फिर आपको एकदम इस तरीके से ब्रश पेंटिंग की वैरायटीज चाहिए, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अभी हम डिज़ाइन से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्राइस रेंज इनकी स्टार्ट हो जाती है 200 से, जहाँ से जो है आपको अनगिनत डिज़ाइन 2 पीसेस, 3 पीसेस, 4 पीसेस, 5 पीसेस या फिर 6 पीसेस का पूरा सेटअप आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो आर्टिकल ये रहने वाला है, पूरा का पूरा आपको डार्क पिंक कलर के अंदर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आप देखिए कुछ इस तरीके से पूरा पूरा कम्प्लीटली बॉर्डर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा सिल्वर जरी बॉर्डर के साथ में, जो कि डिजिटल प्रिंटिंग इसके अंदर की गई है। और यहाँ पे जो है पूरा बेल पैटर्न बटरफ्लाई डिज़ाइन के साथ में आपको मिल जाता है। ब्लाउज भी आपको कुछ इसी तरीके से सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ में मिल जाता है। तो कलर आपने अभी देखा, डिज़ाइन आपने अभी देख ली, तो बस अभी आपको जानना क्या है कि पीसेज आपको कितने मिल जाते हैं। तो उसके लिए तो क्या आपको पीडीएफ की सुविधा मिल जाती है? जी हाँ, पीडीएफ की सुविधा मिल जाएगी और उसी में जो है आपको प्राइस भी पता चल जाती है। तो अभी बढ़ते हैं हम अगली वैरायटी की ओर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आयशा सिल्क नाम से ये पूरा कैटलॉग रहने वाला है, जिसके अंदर पूरी डिजिटल प्रिंटिंग बनाई गई है। और यहाँ पे जो है स्लिम सा जरी का बॉर्डर मिल जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, मतलब कि पार्टीज हो या फिर हमें कहीं जो है जाना हो नॉर्मली घूमने के लिए, तो इस टाइप की डिज़ाइन जो रहती है ना, बहुत ही प्यारी सी लगती है। पैटर्न आप देखिए, लाइट कलर तो है येलो कलर, लेकिन इसमें जो पैटर्न बनाए गए कलर्स के साथ पिंक कलर, ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। बहुत ही ब्राइट सी यहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है। और यहाँ पे ब्लाउज आप देखिए डार्क पिंक कलर, मतलब कि है ना बेस्ट कॉम्बिनेशन। जी हाँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जानी ही जाती है अपनी वैरायटीज़ के लिए, और इसी विश्वास के साथ में जो है कस्टमर एक बार यहाँ पे आते हैं, विजिट करके जाते हैं, उसके बाद तो घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही वो परचेजिंग कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, एक बार सूरत आइए, स्टेशन से केवल 10 मिनट्स की दूरी पे है मिलेनियम मार्केट, जो कि कमेला दरवाजा पे है, उसके अंदर बी ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर 3031 एंड 3032, ये है हमारे सेल्स ऑफिस के नंबर, जहाँ से जुड़ के जो है आप बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिजनेस के अंदर जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको है ना, वो सभी कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। तो ये देखिए अगली जो डिज़ाइन है ये रहने वाली है कुछ इस तरीके से, डिजिटल प्रिंट तो है ही है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए फॉयल प्रिंटिंग की गई है, जिसकी चमक ना बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गिल्टर का काम किया गया हो, लेकिन ये गिल्टर का काम नहीं है, बल्कि इसकी जो है शाइनिंग ही बहुत ज़्यादा सुंदर आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा लीफ पैटर्न बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मिलने वाला है। इसके अंदर फ्लावर का भी पूरा पैटर्न आपको मिल जाता है। तो ये आर्टिकल आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इनफैक्ट कि मुझे तो बहुत सुंदर लगा। तो इसकी प्राइस जो रहेगी बहुत ही रिजनेबल आपको मिलने वाली है, और ये वैरायटी जो है आप मार्केट से कई दुगने दाम के साथ में आप सेल कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद को भी पता है रिटेल के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसी वैरायटीज़ लेने जाते हैं ना, 800-900 से कम हमें नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पे ऐसी वैरायटीज जो है 200 रुपये 200 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ऐसे ही चलते हैं हम अगली डिज़ाइन की ओर, जो कि अभी आपको मिलने वाला है कुछ बनारसी लुक के जरिए, लेकिन बनारसी नहीं है, आप याद रखिएगा ये पूरा ऑर्गेन्जा के ऊपर डिजिटल प्रिंट मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके अंदर आप देखिए पूरा आपको बॉर्डर कॉन्सेप्ट इसी तरीके से ऑरेंज कलर के अंदर मिलने वाला है। ऑरेंज कलर तो है ही है, लेकिन फ्लावर डिज़ाइन किसे पसंद नहीं आती है? हर किसी को फ्लावर पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए साड़ियों में जो है ये डिज़ाइन सदा बाहर ही रहती है, जिसके अंदर आप देखिए ऑरेंज कलर का पूरा पल्लू आपको मिल जाता है, लेस बॉर्डर का भी पूरा टचअप आपको मिलने वाला है। तो ऐसी जो डिज़ाइन है और भी कई सारी देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले तो आप कीजिए सब्सक्राइब। जी हाँ, नीचे रेड बटन दिया गया है, बस कुछ नहीं है, उसे प्रेस कर देना है, बेल आइकन को जो है दबा देना है, ताकि आपको नए से नए कलेक्शन की नोटिफिकेशन है ना बहुत ही आसानी से मिलती जाएगी। तो चलते हैं अगले डिज़ाइन की ओर। अभी जो पैटर्न रहने वाला है ये पूरा रहेगा ब्रश पेंटिंग,
जी हाँ, ब्रश पेंटिंग की जो है मैं बहुत सारी डिज़ाइंस आपको दिखाने वाली हूँ, जिसके अंदर आप देखिए कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया गया है फ्लावर डिज़ाइनिंग के साथ में। कितना भी रफ एंड टफ करेंगे ना, फिर भी ये ख़राब नहीं होने वाला है, कलर्स भी जाने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, और इसका जो बॉर्डर है कटवर्क पैटर्न के अंदर बनाया गया है। तो सबसे मेन चीज़ होती है हमारा पल्लू पार्ट। तो ये आप देखिए, ये रहने वाला है इसका पूरा पल्लू, जिसके अंदर आपको इस तरीके से बूटे टाइप ये डिज़ाइन मिल जाती है, और इस तरीके के आर्टिकल्स जो रहते हैं वो भी हमारे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आर्टिकल्स के साथ में जो है एक और पैटर्न मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, जो रहने वाला है वाइट कलर के ऊपर। जी हाँ, वाइट कलर सबसे सुंदर कलर, मतलब कि वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन पसंद आता है ना, वैसे ब्लैक वाइट साड़ी भी जो होती है ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर बनाया गया है, चैन पैटर्न का पूरा क्रिएशन किया गया है, चैन वर्क यहाँ पे किया गया है, और इसके ऊपर ये पूरे ब्रश पेंटिंग आपको मिलने वाली है, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। रॉयल लेडी नाम से ये पूरा कैटलॉग रहेगा। जी हाँ, साड़ी इतनी खूबसूरत है तो नाम भी कुछ वैसा ही देना ज़रूरी है ना। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जो वेराइटीज़ आपको मिलती है, कस्टमर्स ये बताते हैं कि उनके जो कैटलॉग नाम होते हैं क्या हमारे यहाँ से ही डिसाइड किए जाते हैं। तो जी हाँ, हमारे यहाँ से ये सारी वेराइटीज़ के नाम दिए जाते हैं, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन जो है ना, कुछ इफेक्टिव डिज़ाइन ही नहीं, इफेक्टिव नाम के साथ में आपको मिल पाए। तो ये थे आज के हमारे कलेक्शन, आपको कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताइएगा एक छोटे से कमेंट के जरिए, मैं ज़रूर वेट करूंगी। और इसी के साथ मैं अभी लेती हूँ आप सभी से अलविदा।